तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है और तुम बस हीरो की तरह निकले उसको बचाने, और होता क्या कि उसके साथ साथ तुम भी पहले जाते हो? ऐसा हुआ है ना? हुआ है ना? पर ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे साथ हुआ है, बस यूँ समझ लो इस बार स्टेक्स थोड़े हाई थे, बाकी आप वीडियो देखो आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में एक्चुअल फुटेजेस हैं उस दिन की, तो वो मिस मत करना, वो ज़रूरी है काफ़ी। तो किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक्चुअली मैं नहीं हम अपने पुराने कॉलेज के किस्से विस्से डिस्कस कर रहे थे, और भाई वो बता जो तो उसने पुलिस वाले ने तुझे पकड़ लिया था। अरे यार वो नहीं, वो वाला किस्सा इस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, कर दें यार, मुझे तो लगता है करना चाहिए, मज़ा आ जाए। तो जिम में तू मैं हमजा और मुस्तकीम, हम चारों थे ना, चारों और भी थे दो दोस्त। हाँ, थे वो शूट वूट कर रहे थे तो जिम में थे हम सारे, मैं वर्कआउट कर रहा था, ये अपना एडवर्ट शूट कर रहा था, हमजा अपने लगा हुआ था। तो सीन ये हुआ था कि उस टाइम पे हम सारे अपना कर रहे थे, तो एकदम से ना नीचे हमजा का फोन आता है, वो नीचे ना स्मोक सिगरेट पी रहा, उसको किसी फीमेल कांस्टेबल ने बोला होगा कि भाई ये सिगरेट विगरेट मत पियो यहाँ पे, तो वो कहता है वो उसका उसको वो कर दिया, पेनल्टी दे दी उसको, उसने बोला नहीं मैं तो नहीं कर रहा, वो ओवर स्मार्ट बन के उसने नीचे फेंक दिया। हाँ वो कह रहा था मैं पी नहीं रहा था, मैं पी नहीं रहा, मैं पी नहीं रहा। भाई यार तुम पुलिस वाले से कैसे आर्ग्यू कर सकते हो? भाई पुलिस ने जो बोल दिया वो तो लकीर है, मतलब कहता नहीं मैं पी नहीं रहा था, मैं फेंक दी, कहाँ है सिगरेट वो, मैंने एक सेकंड में दिखा दिया उसे क्या पी रहा था, क्या लगाया उन्होंने उसे जीप में डाला। इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और हम देख रहे हैं किसको लोग इतने इकट्ठे हुए, कौन है बंदा, देख रहे अपना ही बंदा है यहाँ पे हमजा। उसको ले गए पुलिस स्टेशन पास वाले। अब कहानी ना यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि यहाँ आएगा कहानी में एक ट्विस्ट, जहाँ पे पुलिस वाले उसकी जगह मुझे पकड़ लेंगे और मुझे अंदर डाल देंगे। नहीं उसकी जगह नहीं, तुझे भी, उसे भी, उसे तुम दोनों थे एक ही जगह थे, हम दोनों को अंदर डाल देंगे, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। उसके बाद हम गए हमजा को बचाने, हीरो की तरह, मैं, फहद, मुस्तकीम, हम सारे गए, पहुंचे पुलिस स्टेशन के बाहर, हम वहाँ आधा घंटा 15 मिनट बैठे, और हमने वहाँ पे ना हम बैठे हैं स्नैप स्टोरीज बना रहे हैं अपना, हम अपना चिल कर रहे हैं वहाँ, हमने बोल दिया किसी को बुलाया हमजा को बाहर निकलवा दो, और वो बैठा बेचारा मुर्गा बन के पुलिस वाले के टेबल के बाहर, वो बैठा मुर्गा बन के, उसकी शक्ल देखी, ये क्या डाल दिया मैंने उसकी शक्ल नहीं डालना था भाई ये तो जाएगा, तो हमने उसकी शक्ल देखी, मेरे को इतना तरस आया बेचारे में, और हंसी आई यार, अब बारी बारी से, पहले मैं गया अंदर, मैंने देखा आप बाहर आया, मैं हंसने लगा, फिर वो गया, ये गया अंदर, इसने देखा बाहर आया, फिर मुस्तकीम गया, वो अल्टीमेट था बेचारे को मुर्गा बना के रखा था। तो हमने मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, मैंने बोला क्यों ना इस मोमेंट को लाइफ टाइम के लिए कैप्चर कर लिया जाए। अच्छा हाँ मुझे अब याद आया, तू वीडियो बना रहा था। मैंने सोचा यार इतना बढ़िया मोमेंट लाइफ में, ऐसे मोमेंट, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग का भाई को शौक है, डॉक्यूमेंट तो हर एक चीज करनी है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी डॉक्यूमेंट किया जाए। पुलिस वाले ने मुझे डॉक्यूमेंट कर दिया, मैं गया फटाफट ने से चोरी चोरी कैमरा लेके गया अंदर, और मैं वीडियो बनाने लगा उसकी, मुर्गे बने हुए वीडियो। तो भाई एकदम से ना जैसे ही मैं वीडियो बना रहा था, एकदम से मुक्का आता है मेरे पेट पे, और मेरे मुंह पे एक गुस्सा आता है, मैं बोलता हूँ भाई ये कहाँ से आया ये, मैं उड़ता उड़ता देखा पीछे पुलिस वाला, और मेरा फ़ोन छीन लेता है, वो कहता है यहाँ पे वीडियो कैसे बना रहे हो? मैंने बोला यार मेरे को नहीं पता था मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, दोस्त है अपना यहाँ पे। तो उस टाइम भाई हमको क्या पता था यार यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कैमरा कैसे अलाउड है भाई, जब तुम लोगों को मैंने बोला वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोगों ने बोला जा 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 बना, तब नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? दोस्त की बजाओ। पुलिस वाले ने क्या किया, फोन भी मेरा ले लिया, उसको वहाँ पे मैं लॉकअप में नहीं डाला था, उसको बाहर ही मुर्गा बना के रखा था, जहाँ सब लोग आए देखो ये सामने एक शोपीस है, पर उसने क्या किया उसको भी जा डाला लॉकअप पे, और मेरे को उसके साथ ही अंदर डाल दिया। इतना नाम भी नहीं करना था और उसको भी 4 थप्पड़ मारे बेचारा, उसको भी मतलब तुझे भी 4 थप्पड़ मारे नहीं। इसने मुझसे मना करा था बताना मत कोई बात नहीं यार, मतलब चलो बच्चे थे उस टाइम पे यार, चलता है इतना तो चलता है यार, दुनिया खाती है भाई, लोग माँ बाप से खाते हैं भाई, ने पुलिस वाले से खा ली क्या फर्क है। अगर मेरा मन किया मैं कट भी कर सकता हूँ इसको, जो तेरी मर्जी वो तेरी, मैं तो एडिटर तो मैं ही हूँ ना, तू जो मर्जी बोल ले। तो
ऐसा सीन हो गया था और मुझे लगता है कहानी बहुत लंबी हमने सुना दी है। Whom are you waiting for? What crime did he commit? Why did he get arrested? He... Hey, be honest. He raped a cigarette. Very cool. You fucked it up. You told me to come to Kora Bagla. Jatin, how was your day? I was sleeping. I got a call from Mustaqib. I went to gym. Gym to jail? I went directly to jail. Jaise wo Dawood ki story hai na, wo kya bolte hai? अरे आपको इतना कुछ दिखा दिया, आपको हमजा से मिलाया ही नहीं। तो भाई ये है हमजा, और वैसे तो थोड़ा सुस्त रहता था कॉलेज में, सोता रहता था मोस्टली, पर कॉलेज से निकलने के बाद एकदम बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा बटा था। और देखो स्टड लूंडा था भाई, ये देखो लिखा भी है स्टड। सो ये था भाई हमजा। क्या कर रहे तुम? ऑर्डर ऑर्डर देते कि नहीं देते? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज वी हैव सो मेनी अमेजिंग स्टोरीज टू टेल यू गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन अनदर ब्लॉग। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग।